नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी, जहां पे दवाइयों के साथ साथ कैरियर संबंधित आपको जानकारी प्राप्त होती है। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। जो भी विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच डिस्कस करेंगे कि बी फार्मा हॉस्पिटल ट्रेनिंग जरूरी क्यों है। साथियों, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं करते हैं। फाइनली क्या होता है कि इधर उधर से जो है वो सर्टिफिकेट जो है इशू करा लेते हैं कुछ पैसे देके, लेकिन उससे क्या होता है कि फ्यूचर में जो है उनको कहीं इंटरव्यू देना होता है या कहीं जॉब करते हैं तो उनका जो है कुछ पता नहीं होता है। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट हमारे जो है, स्टूडेंट को मैंने भेजा, मेरे जानने वाले थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनकी, तो वहाँ पे जो है मेरे जानने वाले ने स्टूडेंट से पूछा कि टेल मी द 5 एंटीबायोटिक नेम्स। साथियों, वो विद्यार्थी मेरा नहीं था लेकिन विद्यार्थी के थ्रू था, तो उसको मैंने रिकमेंड किया था एमआर की जॉब के लिए। 5 एंटीबायोटिक के नाम नहीं बता पाया। आइबुजेसिक, कहीं पैरासीटामल, कहीं कुछ भी बोल दे रहा, कहीं कुछ भी बोल दे रहा। तो इस तरह की दिक्कतें जो है आती हैं। तो थ्योरेटिकल है वो बुक्स का है वो अलग है, जब तक प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं बताते हैं कि सर थैंक यू, आपके यहाँ हमने थर्ड ईयर में हॉस्पिटल ट्रेनिंग की थी और फोर्थ ईयर में सर हमें एग्जाम लिखने में बहुत ही हेल्प मिली। कहने लगे बहुत सी ऐसी दवाइयाँ थी जिनके बारे में सीख गया, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ थी जिनके बारे में मैं सीख गया, और वहाँ पर मैंने उस टॉपिक को पढ़ा भी नहीं था, तब भी मैंने उसको आसानी से आंसर कर दिया है क्वेश्चन को, और उससे हमें पूरे नंबर मिले और मेरा परसेंटेज बढ़ गया। तो इसीलिए जो है जरूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे, आपको बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, वहाँ पे कस्टमर बिहेवियर, कहने का मतलब है अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में हैं तो आपके लिए कस्टमर कौन है? मरीज है। मरीज का बिहेवियर, मरीज की क्या नीड है, क्या क्या समस्या होती है, चैनल क्या है कि मरीज पहले आया हॉस्पिटल में, वो पर्चा कहाँ से बनवाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, किस डॉक्टर को दिखाएगा, सभी कुछ आपको विधिवत जो है जानकारी होगी। हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं और वो क्या होता है कि बहुत ही सुस्त होते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल ट्रेनिंग करके जाते हैं फाइनली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा होता है, क्योंकि वो जो हेजिटेशन होती है वो निकल जाती है। उससे क्या होता है कि फार्मा की कंपनी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, इंडस्ट्रियल में जाते हैं, प्रोडक्शन में जाते हैं, और अच्छा इंटरव्यू कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों के बीच में, मरीज के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, पैरामेडिकल के बीच में, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग है, ओटी है, डायलिसिस है, उसी तरह से लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, सभी से जो है बात होती है, और उससे क्या होता है कि समस्या क्या है और उसका इलाज क्या है, कौन सी विधा है, कौन सी दवाई चल रही, सभी कुछ विधिवत जो है उसमें सीख जाता है। साथियों, थर्ड ईयर में बी फार्मा में 100 नंबर मास ए हैंडबुक ऑफ हॉस्पिटल ट्रेनिंग मैं लिख रहा हूँ। हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए कंपलसरी है, 100 नंबर होता है और उसका वाइवा होता है। वाइवा में जो टीचर आते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि आपने रियल में हॉस्पिटल ट्रेनिंग की है कि या आप ऐसे ही इधर उधर से अरेंज कर लाए हैं। तो जो रियल में हॉस्पिटल ट्रेनिंग की होती है तो उनसे काफ़ी अच्छा इंटरव्यू करते हैं, वो पूछते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है, और जो अच्छा बताते हैं उनको बहुत अच्छे जो है प्रैक्टिकल में नंबर मिलते हैं, और उससे आपका परसेंटाइल बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है कि आपको टीचर भी रूबरू हो जाते हैं कि आप आगे की क्लास करते हैं, पीजी हो जाते हैं तो वो आपको रिकमेंड भी करते हैं, कहीं जॉब है, कहीं टीचिंग की है, इस तरह से जो है आपका एक बॉन्डिंग बनती है। तो कहने का मतलब है पीसीआई ने हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी है। 7th सेमेस्टर थर्ड ईयर में बी फार्मा हॉस्पिटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, इसको करने से आपको नॉलेज मिलेगा। सिखाया इसमें क्या क्या जाता है साथियों, इस पे तो हम अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम संक्षिप्त में बताएंगे कि जैसे हमारे यहाँ विद्यार्थी आता है तो हम उसको जो है बाय फॉरगेट करके सभी जगह विधिवत ड्यूटी लगाते हैं, जैसे कि ओपीडी, दवा वितरण कक्ष। दवा वितरण कक्ष में जो है जितने भी डॉक्टर हैं वो सुबह 8 से 2 ओपीडी करते हैं, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, आर्थोपेडिक है, स्किन के डॉक्टर हैं, साइकेट्रिक के डॉक्टर हैं, डेंटल के डॉक्टर हैं। इस तरह से सभी डॉक्टर क्या करते हैं कि मरीज को समस्या क्या है उसके बड़े पर्चे पे लिखते हैं, और साथ में उसमें दवा लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटी सी एक स्लिप पे जो है विधिवत दवाइयाँ लिखते हैं कि पैरासीटामोल 10 टैबलेट,
उसके बाद क्लोरफेनामाइन मैलिएट या सिट्रीजीन, इस तरह से सभी दवाइयाँ लिख के देते हैं। और उसको क्या होता है, वो पर्ची लेके दवा वितरण काउंटर पे जाता है और वहाँ से फार्मासिस्ट उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है दवा, और उसकी डोज के बारे में बताता है कि पैरासीटामोल है, अगर समस्या ज़्यादा है तो टीडीएस है, टीडीएस मतलब है दिन में 3 बार है, अगर समस्या कम है तो 2 बार है, उस तरह से एंटीफंगल में क्या क्रीम देते हैं, खांसी में कौन सी सीरप देते हैं, कौन सी टैबलेट देते हैं, इस तरह की जो है आपकी जो है क्लासिफिकेशन एक आपको याद हो जाएगा जिसमें आप कभी मात नहीं खाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और साथियों, मैं तो हमेशा जो है कॉपरेट करता हूँ, मेरे पास तो अंडमान निकोबार से लेके और कच्छ, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार, हिमाचल, उड़ीसा के अभी 2 बच्चे हमारे पास आए हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए, और वो विधिवत सीखते हैं और अपने जो है फिर से स्टेट में जाके वहाँ पे नाम कमाते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो साथियों, हॉस्पिटल ट्रेनिंग बहुत ही कंपलसरी है। बी फार्मा में हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए अगर अभी से आप रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई करता है तो उसको एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में PCI में अप्लाई करता है तो वहाँ पे हॉस्पिटल सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना पड़ेगा PDF, और साथ ही साथ उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको हॉस्पिटल नेम भी लिखना पड़ेगा, और जब भी आप रिन्यूअल कराएंगे आपको उसकी एक सर्टिफिकेट की कॉपी PDF अपलोड करनी पड़ेगी, साथ ही साथ नाम लिखना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन में भी ये कंपलसरी है और आपके कैरियर के लिए भी बहुत ही कंपलसरी है। साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाएं, हमारे चैनल जरूर